बच्चों आज मैं तुम लोग लिए कुछ रंग बिरंगे चित्र तैयार करके लाई हूँ। देखो तो कैसे हैं? ये तो शेर है। और ये शेर तो गुफा है। आज तुम्हें पहले मैं इन चित्रों के माध्यम से कहानी सुनाऊंगी, मन लगाकर सुनना, फिर मैं प्रश्न भी पूछूंगी, उत्तर दोगे ना सर? हाँ दीदी। तो सुनो, बहुत समय पहले किसी जंगल में एक शेर रहता था। कौन रहता था? शेर। वो कई दिनों से बहुत भूखा था। वो अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। क्या दिखाई पड़ी? गुफा। शेर ने मन में सोचा, मैं झाड़ी के पीछे छुप जाता हूँ, जब कोई जानवर बाहर आएगा तो मैं उसे दबोच के खा जाऊंगा। शेर ने गुफा के बाहर बहुत देर तक इंतजार किया। देखो इंतजार कर रहे हैं ना? हाँ। पर कोई नहीं आया। शेर ने सोचा, लगता है गुफा का जानवर कहीं घूमने गया है, मैं गुफा के अंदर जाकर उसका इंतजार करता हूँ। और शेर गुफा के कोने में जाकर छुप गया। जानते हो उस गुफा में कौन रहता था? कौन? गीदड़। बेचारा गीदड़। हाय गीदड़। बेचारा नहीं, बहुत चतुर था गीदड़। जब वो वापस लौट कर आया तो उसने गुफा की ओर जाते हुए पैरों के निशान देखे। देखो दिख रहे हैं ना? हाँ। और वो बाहर ही रुक गया। उसने सोचा, लगता है जरूर कोई खतरनाक जानवर मेरे गुफा के अंदर छिपा है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ओ गुफा, अरे गुफा, आज तो मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही? रोज तो मेरे आने पे तू मेरा स्वागत करती थी, आज तो मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही? तुझे क्या हो गया है? ठीक है, अगर तुम मेरा जवाब नहीं देगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। जानते हो शेर ने क्या समझा? क्या? शेर ने समझा, गुफा जरूर गीदड़ का स्वागत करती होगी। अगर गीदड़ चला गया तो शेर भूखा रह जाएगा। इसलिए शेर ने जोर से कहा, आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। शेर की आवाज सुनते ही गीदड़ तेजी से जंगल की तरफ भागा और बोला, ओ जंगल के बूढ़े राजा शेर, कहीं गुफा भी बोलती है? कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो सर? हाँ दीदी। अच्छा तो बताओ, गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? आप बताइए। शेर ने सोचा, जब गुफा के अंदर वाला जानवर बाहर निकलेगा तो मैं उसे धड़ दबोच लूंगा। अच्छा बताओ तो शेर गुफा के अंदर क्यों गया? कौन बताएगा? हाँ आप बताइए। शेर को लगा गुफा खाली है, तब उसने सोचा गुफा के अंदर बैठकर वह जानवर का। बिल्कुल ठीक, शेर ने समझा कि गुफा खाली है और वहाँ कोई जानवर आएगा ही, तो वो गुफा के अंदर गया और उसका इंतजार करने लग गया। अच्छा राह देखने का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? आप बताइए। इंतजार करना। बिल्कुल ठीक, और वाक्य कौन बनाएगा? हाँ आप बनाइए। राम महेश का सुबह से इंतजार कर रहा था। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये कैसे बता सकते हो कि गीदड़ बहुत सयाना था? हाँ आप बताइए। हम इस तरह पता लगा सकते हैं कि गीदड़ सयाना व चतुर था कि जब उसने शेर के पंजों के निशान देखे तो वह तुरंत ही समझ गया कि उसकी गुफा में कोई खतरनाक जानवर बैठा है। इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि गीदड़ बहुत ही सयाना व चतुर था। जल्दी से ताली बजाइए। अच्छा अब आप लोगों को मैं स्लेट दे रही हूँ, बहुत अच्छी से पिक्चर बनाएगा, जल्द शेर की तस्वीर बना के दिखाइए जल्दी से। देखिए सबसे सुंदर कौन बनाता है। Mm-hmm.
हाँ बहुत अच्छा बनाया, देखो कितना अच्छा बनाया। तालाब में खिले कमल के फूल कितने अच्छे लगते हैं। पूरे विश्व में कमल की सिर्फ दो ही प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली निलंबो लूसीफेरा और दूसरी निलंबो ल्यूटिया। पहली प्रजाति भारत और एशिया में तथा दूसरी अमेरिका में पाई जाती है। सबसे खास बात यह है कि कमल के बीज 500 सालों के बाद भी अंकुरित हो सकते हैं। रोचक जानकारियां हम आगे भी देते रहेंगे। अभी देखते हैं कार्यक्रम। आरती और नितेश, तुम लोग पिछले कार्यक्रम में श्वसन क्रिया के बारे में कुछ जानना चाहते थे। बताओ तुम लोग क्या जानना चाहते हो? भैया हमारी किताब में लिखा है कि सभी जीव श्वसन करते हैं, ये श्वसन क्रिया क्या होती है? अच्छा तो मैं तुम्हें आज श्वसन क्रिया के बारे में बताता हूँ। पहले ये बताओ कि हम लोग जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करते हैं? भैया हम सभी लोग सांस लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा नितेश तुमने, हम लोग जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं और सांस लेने की क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। यह क्रिया हम तुम्हें एक चित्र के द्वारा और समझाते हैं। देखो हमारे पास ये एक चित्र है, इसमें देखो हम ऑक्सीजन गैस को, ऑक्सीजन को और क्या बोलते हैं, O2। तो O2 को हम ग्रहण करते हैं और फिर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को हम बाहर निकालते हैं। और श्वसन क्रिया में कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है क्योंकि हमारे शरीर में निरंतर बहुत सारे काम चलते रहते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं और इन क्रियाओं को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यही मुक्त ऊर्जा इन क्रियाओं को संपादित करने के काम में आ जाती है। भैया श्वसन क्रिया तो हमें समझ में आ गई कि हम सभी लोग जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देते हैं।